नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट, क्या माहौल बन रहा है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज क्या बाज़ार खुला है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है और टॉप क्वालिटी का जो माल है वो क्या देखने को मिल रहा है, इससे भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सुरेश भाई से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सर आज क्या बाज़ार खुला है? सर बाज़ार बाबू जी बढ़िया माल 28 रुपये, बढ़िया माल 28 रुपये में दिख रहा है। हाँ जी, बाकी पुराना माल 28 रुपये, 27-28 रुपये बढ़िया। अच्छा जी, और हल्का जो माल है? हल्का माल 20-22 रुपये, 20-22 रुपये से एवरेज क्या चल रहा है सर? एवरेज चल रही है 20 रुपये से 25 रुपये तक, 20 से 25। हाँ जी बोलो। तो ये वाला जैसे अपने पास क्या बिका है? ये वाला 26 रुपये हो जी, 26 रुपये बिका है। हाँ जी, क्वालिटी तो बढ़िया है सर। ये वाला 26 रुपये। और ये वाला सर? ये वाला 26 रुपये, 26 ही बिका है। तो आज 28 नहीं बिक रहा? 28 रुपये माल नहीं है, हल्के माल है। अच्छा, ये आज हल्का माल है, ज़्यादा बढ़िया माल है नहीं। अच्छा, मीडियम साइज की माल है। तो आज आवक की बात करें तो आवक कितनी है सर? आवक है बहू जी 10 से 12 गाड़ी एम पी है। अच्छा जी, और 10 से 15 के बीच में लाल है बस। और नासिक वाली? नासिक वाली 8 से 10 के बीच में है, चोपड़ा चोपड़ा में। सर गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं आज? तो ज़्यादा तो कहाँ मुझे 15 गाड़ी एम पी होगी और 10 गाड़ी होगी नासिक, 25 गाड़ी होगी टोटल परीक्षा जी। और अपना फिर लोकल मथाने भोपालगढ़ वो भी चल रहा है? लोकल अलग से है, लाल माल अलग से। बिल्कुल। तो सर क्या उम्मीद कर रहे हैं सर प्याज लगातार? उम्मीद तो यही है, वैसे भाव तो वैसे यही रहेंगे, थोड़ी बहुत तेज़ी रहेगी, वैसे ज़्यादा कोई खास तो तेज़ी रहेगी नहीं। क्योंकि अगर आवक बढ़ जाती है, अब कल से जो नासिक की मंडियाँ हैं वो भी खुल गई बता रहे हैं। हाँ जी, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, आवक ज़्यादा होंगी? ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। अच्छा जी, उसमें क्या है चोपड़ा माल ज़्यादा आएगा, वैसे बढ़िया माल तो फिर भी कम ही आएगा। तो सर चोपड़ा माल अगर ज़्यादा आ जाता है तो लोग तो चोपड़ा ही खरीदेंगे ना, एवरेज माल है वो क्यों खरीदेंगे? बात तो सही है सर, आज चोपड़ा बिका है 19-20 रुपये किलो। अच्छा जी, आज 19-20 रुपये बिका जी वो जी। तो चोपड़ा तो फिर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बात तो सही है। बिल्कुल। तो क्या मतलब कि अगर जैसे नया प्याज है? हाँ जी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नया प्याज अभी क्या है थोड़ा लेट आएगा। अच्छा जी, लेट आएगा, अभी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज कितनी गाड़ियाँ समझे सर नए प्याज की? नए प्याज ये 2-3 गाड़ी होगी सर। 2-3 गाड़ियाँ तो होती हैं इस साइड में, तो है नहीं। तो ऊपर में क्या बिका है सर नया? ऊपर में 30 रुपये सर, 30 रुपये बिका है सर। तो सर जैसे अभी नए प्याज में समय है आने में, और पीछे स्टॉक की बात करें तो जो अभी पुराना प्याज है उसमें कितना स्टॉक रहेगा? जो पीछे की साइड में स्टॉक है सर 20% के लगभग, 20-25% के आसपास, 20-25% के लगभग। क्योंकि मंडियों में जिस हिसाब से आवक नज़र आ रही है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है जी सर। ठीक है। आज क्या कि इंदौर में भी क्या है कि कम है आवक। अच्छा जी, अच्छा। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर? 9992812131। चलो जी सर, धन्यवाद सर। ओके।